हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है। आज मैं मतलब सीमा सीमा ब्लॉग में, सीमा दीक्षित ब्लॉग में आज क्या बोलता है, मैं बनाने वाली मछली, भोंगरी मछली, भोंगरी मछली जो बोलते हैं। तो देखिए, मैंने दो टमाटर लिया है, तो धनिया पत्ता लिया है, और ये प्याज प्याज डालूंगी नहीं, ये खाने के लिए रखी हूँ। इतना धनिया पत्ता और दो टमाटर, और देखिए ऐसे मैंने लहसुन लिया है, बहुत सारा, इतना सारा लहसुन लिया है, और 5-6 मिर्ची ली है, हरी मिर्च, और सरसों, मैंने इतना सरसों लिया है, ज़्यादा सरसों ज़्यादा लहसुन, और वो सीन आपको नहीं दिखाई इसके अंदर है, और जीरा लिया है इतना, और थोड़ा सा मरीच लिया है, और हरी मिर्च ली है तीखी वाली, और इसमें सब मसाला डाल दूँगी, मिक्स कर दूँगी, धनिया मिर्ची पाउडर सब डाल दूँगी इसमें, तो आपको बताऊँगी बाद में। तो आज मछली बनने में देखिए, ये हरी सारी मछली है, इसको धो लिया गया है, धो दिया है, मैं नहीं बनाऊँगी, मेरे हस्बैंड बनाएंगे, तो वे धो, मैं सब कुछ कर देती हूँ, वो बनाते हैं, तो धो धुला गया है, इसमें नमक भी डाल के इसको मिक्स करेंगे, फिर बनाएंगे तो बन जाएगा, तो आपको दिखाती हूँ भुजने टाइम। तो मैं एक चीज़ भूल गई आपको बताने का, देखिए ये है एवरेस्ट का फिश करी मसाला, तो ये हम लोग डालते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कभी आप लोग भी डाल के देखिएगा, मस्त आता है टेस्ट भी। तो ये लास्ट में डालते हैं हम लोग, शुरू में डालते हैं भुजने टाइम, इसमें भी डालेंगे फ्राई करने टाइम, और लास्ट में डालेंगे, जब भुजाने लगेगा, फ्राई होने लगेगा मछली, तो आपको दिखाऊंगी, तब तक के लिए वेट कीजिए, मैं वीडियो में बने रहिए। देखिए तब पूरा मिक्स हो चुका है, नमक हल्दी मुसल सा काट के नहीं दिया, हाँ अथवा तो मसाला देखिए कटा हुआ है, वो डाल दिए हैं, और उसमें सरसों तेल डाल के इसमें डाल दिए हैं, जब उघाड़ेंगे तो आपको दिखाऊँगी, झापा हुआ है, उड़ता है इसीलिए, जब फ्राई हो जाएगा तब आपको दिखाऊँगी। सरसों के तेल में हम लोग बनाते हैं, आप लोग सरसों के तेल में बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, देखिए कैसा आवाज़ कर रहा है, इसलिए झाँप के बनाते हैं, जो मांगो मछली होता है बहुत आवाज़ करता है, उड़ता है, फिर झाँप के बनाते हैं, तो जब फ्राई हो जाएगा तो आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने मसाला पीस लिया मिक्सर मशीन में, और इसमें देखिए धनिया ऊपर से डाला है, धनिया गरम मसाला हल्दी सब डाल दिया, इसको मिक्स करना है पूरा, मिक्स करके फिर मेरा एक कटोरी मसाला बन चुका है, थोड़ा सा कम, अब इसमें तेल में डाल देंगे, मछली फ्राई हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ मछली फ्राई वाला। तो देखिए मसाला चला गया है तेल में, पूरा मसाला तेल में चला गया, और देखिए इधर मछली फ्राई होके रखा है, मछली फ्राई हो चुका है, चलिए मसाला में जा रहा है, फिर से पानी डाल के, पानी डला जाएगा, फिर सब कुछ मछली में डाल देंगे, तो आपको बस दिखाऊंगी फिर से चला रहे हैं। देखिए टमाटर डाल दिए हैं, अब फ्राई कर रहे हैं टमाटर डाल के, टमाटर अभी ही डालना है, देख सकते हैं कैसे पानी सब रखते हैं, पानी डालेंगे फिर जाके लास्ट में मछली डालेंगे, तो थोड़ा भुन जा रहा है टमाटर, थोड़ा भुनी भुन रहा है थोड़ी देर तक, तो वही ला दी, देखो फिर आके दिखाइए, हो गया। तो फ्रेंड देखिए अब पानी में डाल रहे हैं मछली, ये हमारी सूखी मछली है, पानी में जा रहा है, ये धनिया पत्ता कट हो चुका है, ये धनिया पत्ता कट हो चुका है, लास्ट में डालेंगे जब उबल जाएगा धनिया पत्ता, और जो एवरेस्ट गरम मसाला है उसको डालेंगे लास्ट में, फिर बन के तैयार हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक के लिए वेट कीजिए, मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए धनिया पत्ता डाल दिए हैं, हमारा मछली बन के तैयार है, तो आप लोग इस तरह बनाइएगा, और जब मैं सब करूंगी तो आपको दिखाऊंगी, तो उसको झाँप देती हूँ। तो देखिए हमारा बन चुका है ये फिश कड़ी, कितना अच्छा दिख रहा है, देखिए पूरा टमाटर धनिया पत्ता देख सकते हैं आप, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मैं वीडियो कैसा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, देखिए पूरा तेल दिल दिख रहा है,
तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। जा रहे हम लोग खाने के लिए, आइए आप लोग भी खाइए।